नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये एक केस स्टडी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये केस स्टडी मैं तब बनाता हूँ कि आप लोगों को अवेयरनेस आए, अगर आपका भी इस टाइप का केस है तो आप उसके ऊपर प्रॉपर प्रिकॉशंस लें। तो ये लड़के ने हमें अंगेज किया था ऑनलाइन, और छत्तीसगढ़, मतलब आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ से हमें मिलने के लिए स्पेशल आया है। और इसका केस हमारे साथ चलते हुए 5-6 महीने हो चुके हैं। और बच्चे की मैं प्रोफाइल बताऊं, इसका हर एक कंट्री के अंदर रेड कारपेट वेलकम है। 90% से ज़्यादा इसके 12th में मार्क्स हैं, और PCV फिजिक केमिस्ट्री बायो का स्टूडेंट है। और हमें इसने अपना केस दिया था हंगेरियन स्टाइपेंडियन प्रोग्राम के लिए, उसमें डाला था। और इवन जब हमने इसका केस लिया तो वी आर रिकमेंडिंग इसको, और भी कुछ ऑप्शंस दिए थे, बट अभी जब स्टूडेंट रिजिड रहता है एक ही स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर, तो तब ऐसी सिचुएशंस देखनी पड़ती है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब भी आपने किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है, ऑलवेज टेक द सब्स्टिट्यूशंस फॉर अनदर कंट्रीज सिमल्टेनियसली, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, बाकी डिपेंड आपके ऊपर है। तो ऐसे प्रोफाइल को हर एक कंट्रीज में एडमिशन वीज़ा में देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, बट हंगेरियन स्टाइपेंडियन में इसका एडमिशंस नहीं हो पाया। अभी उसके रिजल्ट्स कब आते हैं, आई थिंक सो अप्रैल या मई में रिजल्ट आते हैं जब हम अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जब रिजल्ट नेगेटिव आए तो फिर अभी पूछ रहा था अभी हम कहाँ पर अपना एडमिशन डालें। हमारे पास ब्राज़ील जैसी कंट्री भी है, रोमानिया जैसी भी कंट्री है, रोमानिया की भी डेटें निकल गई, तुर्की की भी डेटें निकल गई स्कॉलरशिप की, वहाँ पे भी कुड नॉट पुट द एप्लीकेशंस। और अभी कहता है कि हम मुझे शेंगेन के किसी भी कंट्री में भेजा जाए एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि मेरे घर के भी मेरे मगर पड़े हुए हैं कि यही कुछ तो करो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, इंडिया में भी कुछ नहीं कर रहे हो, बाहर का भी नहीं हो पा रहा। तो ऐसी ये सिचुएशंस आम आती हैं। तो मैं इस बच्चे को रिकमेंड कर रहा हूँ फिनलैंड का, कहता है फिनलैंड है कुछ भी है मैंने जाना है। तो हमने इसकी ऑलरेडी अभी एप्लीकेशन प्रोसेस कर दी है शेंगेन कंट्री में, और इसका जो इंटेक है जैन वाले में, नहीं इसी सितंबर इंटेक सितंबर इंटेक में ही इसका सारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि एडमिशन डन हो चुका है, इंटरव्यू डन हो चुकी है। तो अभी इस केस में और क्या डिफिकल्टीज हैं जो मेन मैं इस केस के थ्रू बताना चाहता हूँ। आउटसाइडर है, पैन इंडिया के अकॉर्डिंग हम आपके फंड्स मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं। अभी बच्चे को फंड्स में भी प्रॉब्लम है, ही कुड नॉट शो द फंड्स फॉर अप्लाइंग द स्टडी वीज़ा। तो उसके लिए भी हमें आया कि सर फंड्स में भी हमारी आप मुझे गाइडेंस प्रोवाइड करें, उसमें भी हमें असिस्ट करें। उसके लिए भी हमने इसको असिस्ट किया है, और फंड्स में भी इसकी हम हेल्प करेंगे। आप पैन इंडिया के अकॉर्डिंग आप किसी भी स्टेट के हैं इंडिया के अंदर, अगर आपको फंड्स में भी प्रॉब्लम आती है तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। इवन आपने रियल स्टडी लोन लेना है, यू आर एलिजिबल टू टेक द रियल स्टडी लोन विद कोलेटरल है, विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी है, दैट इज़ पॉसिबल। बट आपके सारे डॉक्यूमेंट मुझे चेक करने पड़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम के पेपर चेक करने पड़ेंगे, देयर आफ्टर वी कैन टेल कि आपकी ITR चेक करनी पड़ेगी कि आपको रियल स्टडी लोन मिल सकता है। आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ वीज़ा ही फंड शो करने हैं फॉर 2 or 3 months के लिए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। डिपेंड आप कौन सी कंट्री में डाल रहे हैं, वो भी हम उन बच्चों का करते हैं जिनके पास ITRs हैं, पेरेंट्स के पास नहीं है तो उनको रियली फिलअप करवाया जाता है। वो कैसे करवाया जाता है उसमें भी हमें काफ़ी एक्सपर्टाइजेशन हैं। ऐसे है कि अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट के हैं, किसी भी कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉरन की, फंड्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपका वेलकम करती है। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर हर एक कंट्री से रिलेटेड प्लेलिस्ट है। हर एक प्लेलिस्ट में अगर आप स्टडी इन लाटविया की देखेंगे, वहाँ पर आपको 200 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी लाटविया की। उनको आप वॉच करने के बाद डिसाइड करें कि आपने किस कंसल्टेंट की सर्विस लेनी है। फिनलैंड हुआ, लिथुआनिया, एस्टोनिया, चेक, हंगरी, व्हाट्स एवर कंट्री है, सबकी हमने प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। तो अभी बच्चे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। तो सर कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ के रहने वाले, बड़ी दूर से आए हैं, बाई ट्रेन या बाई एयर या बाई बस? सर ट्रेन से आया हूँ। ट्रेन से आए हैं, तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर मैं यूट्यूब के चैनल देखता था। अच्छा, आपके ठीक तो है, उसी के जरिए मैं आपसे कांटेक्ट किया हूँ। कब से देख रहे थे चैनल हम आप हमारे? सर जैसे मेरा 12th हो गया था तो मैं ढूंढ रहा था कि कोई अच्छे कंसल्टेंसी से बात हो जाए, ठीक है, ताकि मेरी मतलब आगे की प्रोसेस आगे बढ़े। ठीक है, तो मैं आपसे कांटेक्ट किया हूँ। तो आप
हमें जब केस देने से पहले कभी मिले भी हैं, जब फर्स्ट टाइम अभी आप हमें आके मिल रहे हैं? सर फर्स्ट टाइम आपका ऑफिस विजिट कर रहा हूँ। तो आप हमसे कब से रजिस्टर्ड है? सर मैं लास्ट 6 मंथ से। 6 मंथ से। तो आपने हमारी जस्ट वीडियोस देखी जी, उसके बाद पैसा डाला होगा कुछ ना कुछ? जी रजिस्ट्रेशन फीस डाला था। कितने डाला था? सर मैं 10,000 रजिस्ट्रेशन फीस डाला था। आपको डर नहीं लगा कि हम मैं वहां बैठा हूँ ये वीडियोस देख रहा हूँ? आपको ये काम के भी बारे में मालूम है, बड़ा फ्रॉड होता होगा ये मालूम है इस काम के? सर बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, पहले बहुत सारे कंसल्टेंट से बात किया था पर रजिस्टर नहीं किया था मैम। ठीक है, तो जब आपके वीडियोस अगर देखा हूँ थोड़ा जेन्युइन लगने लगा कि सर का, फिर उससे आपसे बात हुई तो बात होने के बाद मैं रजिस्टर करवाया। ठीक है, तो आपने 12th कौन से बोर्ड से और कौन सी स्ट्रीम से की है? सर CBSE की है, CBSE से किया बोर्ड से और फिर CBSE से किया मैंने। तो कितने परसेंटेज हैं? सर 90% थी CBSE। देखो 90% CBSE। स्ट्रीम कौन सी? PCB है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किया था। तो आपने नीट क्यों नहीं दिया? सर मैंने नीट नहीं दिया था सर, ताकि मेरा प्लान था कि बाहर जाके ही करूँ, तो इसलिए नीट। तो MBBS करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? MBBS के लिए नहीं जा रहा, मैं बायोटिक में रिसर्च फील्ड में जाना चाहता सर मेरे। अच्छा, इसमें MBBS में यू आर नॉट इंटरेस्टेड? नहीं, इंटरेस्ट नहीं था, जाना था तो मैं बायोटेक्नोलॉजी चूज किया था। तो हमने आपका फर्स्टली कौन सी कंट्री में एडमिशन डाला था? हंगरी पे किए थे सर। हंगरी के कौन से प्रोग्राम में? हंगरी में किए थे, बायोटेक्नोलॉजी में किसी ने किए थे। तो क्या हुआ वहाँ का? तो सर मेरा जो प्रोफाइल बनाए थे, भेजे थे आप वहाँ पास, तो उसने उन्होंने कहा था कि ये प्रोफाइल जो है आपका, मतलब मेरिट लिस्ट में मेरा नहीं आया था। तो वो आपने हंगेरियन स्टाइपेंडियन में डाला जिसमें फ्री स्टडी सारी मिलती जी, उसी में आते हैं। उसमें कुछ मेरे प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट्स रह गए थे। ठीक है, और कुछ चाहिए थे तो इसके कारण मेरा उसमें नहीं हुआ था। ठीक। तो ओवरऑल हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस, अभी आप हमसे मिले हैं, अभी आपने पैसा भी डाला था, यहाँ आकर माहौल कैसा लगा ऑफिस में? सर बहुत अच्छे हैं, पूरे स्टाफ फ्रेंडली रहते हैं, पूरे फ्रेंडली साथ देते हैं सब चीज़ों में हाथ बढ़ाते हैं, सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आपको आई थिंक सो कोई फंड्स में भी प्रॉब्लम आ रही है कि आप? फंड्सों में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो मेरे उसमें हम कोई हेल्प कर रहे हैं जी। फंड्सों में भी भूपेंद्र सर ने जो मेरा केस देख रहे हैं, तो उन्होंने अगर करवाया था गुरजीत सर ने अगर मिलके। ठीक है, तो वो अभी आपने अकाउंट खोला उसका? जी जी खोला है, चल रहा है, प्रोसेस आगे बढ़ रहा है अभी। ठीक। तो ये देखिए कि ये हमारे पास छत्तीसगढ़ से आया है, महुआ भी लेकर, महुआ लाए आप? तो जो छत्तीसगढ़ MP बिहार UP वाले महुआ वर्ड बोला है वो समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट टाइम में इनसे लिट्टी चोखा भी मंगाएंगे, एक सत्तू भी मंगवाएंगे। सत्तू भी लाओगे कि नहीं? सत्तू जानते हो कि नहीं? जी जानता हूँ। तो देखिए कहाँ से आए थे ये, वहाँ पे हम बहुत फेम वहाँ, देखिए छत्तीसगढ़ से आए हैं, हमें छत्तीसगढ़ के भी बारे में मालूम है कि वहाँ पे लोग क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं, क्या है क्या नहीं। तो इनका भी केस हम सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे, वीज़ा में और एडमिशन में हेल्प करेंगे, लेकिन पेशेंस से चलना पड़ेगा। इम पेशेंस है तो कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर पहले ही हमने नंबर ऑफ ऑप्शंस लिए होते तो आज की डेट में ये अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचा होता। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसका लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।